नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, सरहरा समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए जो कि वंचित रही है उसके लिए संघर्ष किया है। जी हाँ, सुहेल देव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जी ओम प्रकाश राजभाई मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। पंजाब में माहौल आ गया है उपचुनाव का जी। उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जैसे आप हैं और बाकी आरएलडी है, तमाम लोग जुट गए हैं अपने अपने काम में। संजय निषाद भी जुटे हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये उपचुनाव है, उपचुनाव को जनता भी जानती है कि हम अगर विपक्ष को जीता देंगे तो 2.5 साल वो यही चिल्लाएगा विधायक कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जनता इस नाते सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को ही चुनाव जिताती है और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि बाई इलेक्शन का चुनाव ज्यादातर सत्ता जीतता है, ये वो भी कहते हैं। लेकिन अब लोकतंत्र है, अब सीधे सीधे कैसे कह दें कि हम लोग हार जाएंगे? तो जनता उनको वोट के, जो उनका वोटर है तो कहेगा जब नहीं जीतेंगे तो काहे वोट दें। लेकिन 2017 के बाद जब बाई इलेक्शन हुए थे तब सत्तारूढ़ दल कितनी जगह हरी थी, गोरखपुर से लेकर तमाम जगह हरी थी। नहीं देखिए, एक दौर था कांग्रेस की सरकार देश में और प्रदेश में हुआ करती थी, याद करिए। आज कांग्रेस के 2 MLA हैं, हैं? बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार रही, एक बार उसकी खुद की बहुमत की सरकार थी, आज उसके मात्र 1 MLA हैं। तो वो चीजें आप ध्यान इतिहास भी देखते जाइए कि जो समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाती थी आज वो समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है। तो जनता है, जनता बदलती रहती है, जनता टेस्ट ले चुकी है कांग्रेस का, जनता टेस्ट ले चुकी है समाजवादी पार्टी का, जनता टेस्ट बसपा का ले चुकी है, जनता टेस्ट भारतीय जनता पार्टी का ले रही है, नहीं ले रही है। नहीं अब भाई सरकार नहीं, सिंह राम प्रकाश गुप्ता फिर एक बार रिपीट हुए, लगातार चल रहा है ना। नहीं, अब जैसे मैंने कहा ना कि कांग्रेस की सरकार थी, पिछली क्या सरकार थी, आज की सरकार का तुलना करिए। सिंगल 7.5 साल में 1 जन की हानि हुई है और वहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के शासन में 815 दंगे हुए हैं। अच्छा, ये बहराइच में हुआ, क्या हुआ था? बता तो रहा हूं कि सिंगल 1 जन की हानि हुई और उपद्रव करना चाहा कि हम माहौल बिगाड़ेंगे, लेकिन धन्यवाद देता हूं वहां के प्रशासन के लोगों को कि बड़ी बुद्धि से और बारीकी से उसको अपने मुट्ठी में किया, उस ऐसे जो अराजक तत्व थे और उनके खिलाफ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार और वहां का प्रशासन कर रही है। लेकिन जैसा कि विपक्ष का दावा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके का दावा करती है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है, केवल पुलिसिया की गोली, वो भी टांग के नीचे लगती है, क्या करती है, इस पे तमाम सवाल उठते रहते हैं। आप कितना सहमत हैं इस व्यवस्था से? माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं समाजवादी पार्टी को। इतिहास 5 साल का पढ़ना चाहिए कि माननीय नेताजी के समय कितने काउंटर हुए उसको पढ़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितने दंगे हुए, कितने कर्फ्यू लगे, कितने लगभग 1300 लगभग जन की हानि हुई, संपत्तियों का नुकसान हुआ, ये वो अपने कार्यकाल में अपने गृहबान में झांक के नहीं देख रहे हैं। 7.5 साल में ऐसी घटना में सिंगल 1 व्यक्ति की जान गई है। तो बीच में तो आपने उनसे दोस्ती की थी? बिल्कुल। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ पड़ता है तो वो काम राजभर करता रहता है, कीचड़ उतर के कीचड़ साफ करते हैं, फिर बाहर निकल करते हैं, स्वच्छ होकर और आगे बढ़ते हैं। अभी हो रही थी बाई इलेक्शन की, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता जो सरकारी तत्व होता है उसमें वही ज्यादा जीतते हैं, लेकिन ये बाई इलेक्शन ये देखा जा रहा है कि 2027 के आप विधानसभा चुनाव का रिहर्सल है, उस एक तरीके से उसकी क्या पैमाइश होगी, क्या पृष्ठभूमि बनेगी, उसकी तैयारी है? नहीं नहीं, देखिए आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी आप देखिए आगे पंचायत चुनाव आएगा, फिर उसको आप लोग ही यही सवाल करेंगे कि ये 27 का रिहर्सल होगा, फिर आ जाएगा प्रमुखी का चुनाव, फिर आ जाएगा जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव, तो हर चुनाव को आप लोगों की तरफ से वो 27 का फाइनल बताया जाता है। अगर हम पिछले चुनाव में जाएं
ये 24 के चुनाव के पहले अगर हम जाएं तो लोकसभा का बाई इलेक्शन कहे ये फाइनल होगा, विधानसभा का चुनाव आ गया, एमएलसी का चुनाव आ गया, राज्यसभा का चुनाव, हर चुनाव ये 24 का फाइनल माना जा रहा था। और सारी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के विपक्ष के सारे लोग यही कह रहे थे कि अब हम लोग सरकार बना रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, अब मोदी जी आ गए। जो नारा लगा रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी के हाथ में संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। देखिए एक सवाल बात करता है, ये कहा जा रहा था अभी जैसा कि जो आरएलडी है, जो आपके सहयोगी संगठन है आरएलडी, उनके नेताओं का कहना है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आपको मतलब बड़ा पद दिया गया और जबकि उनके इतने विधायक इतने एमपी है उसके बाद उनको जो है बहुत हल्का पद दे दिया गया है विज्ञान विज्ञान, तो कहने का हमारे साथ सही न्याय नहीं हुआ। पद कोई बड़ा नहीं हो, विभाग कोई बड़ा नहीं जी जी, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी कैबिनेट है, हम भी कैबिनेट है, अंतर तो नहीं है। विभाग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस विभाग में काम करके विभाग को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। आपने एक बार बात कही थी कि इस सरकार में अधिकारी मंत्रियों की सुनते नहीं, पहले की सर बात आपने उल्लेख की थी कि पहले प्रमुख सचिव या एसीएस उस समय नहीं होते थे, प्रमुख सचिव ही काम करते थे एसीएस के रूप में, वो लोग मंत्रियों के कमरे में आते थे, आज 80% मंत्रियों के कमरे में मंत्री वो अधिकारी नहीं आते हैं मंत्रियों के कमरे में। ये कौन कहता है? पिछली बार आपने इंटरव्यू में मुझसे कहा था। आज मैंने फिर मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां बदली, माहौल बदला, प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रहा है 7.5 साल से, मैं खुद गवाह हूं। हम दुनिया क्या करती है, हम जिस दिन चाहते हैं उस दिन हमारे यहाँ एसीएस भी आते हैं, डायरेक्टर भी रहते हैं, पूरा निदेशालय रहता है, जिसको हम चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में हाजिर। ये आपका, तो, ये आपका अच्छा सुपरविजन है, अच्छा प्रमाण है, नतीजा ऐसा हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं मुझे नहीं कहना चाहिए, आप हमारे विभाग के किसी अधिकारी से बात करिए, उसमें खुशी की लहर है, उसको ओम प्रकाश राजभर से बड़ी उम्मीद रही है, जो काम 19 साल में नहीं हुआ उस काम को ओम प्रकाश राजभर 3 महीने के अंदर हमने करके उनको वाहन भत्ता सुलभ करा दिया। अभी हमारे जो एडीओ पंचायत हैं उनको ब्लॉक पे वापिस नहीं है, उनको वापिस दिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दिया हूं। अभी उनका जो नामकरण है उसको बदलने की बात हो रही है, उनके जो डिग्री का सवाल है वो डिग्री भी उनको हम चेंज करने जा रहे हैं, तो उनके जो काम है जो बता रहे हैं हम उनको उनकी बीमारी ठीक कर रहे हैं, और जनता की जो बीमारी हमको जिम्मेदारी मिली है ठीक करने के लिए हम उनसे ठीक करा रहे हैं। तो आप इस विभाग के जो अधिकारी हैं उनके काम से बहुत संतुष्ट हैं? जनता संतुष्ट है, हम भी तो संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट हैं, हमारे काम से अधिकारी खुश हैं, अधिकारी के काम से जनता। लेकिन पार्टी में टिकट ना मिलने से आपके किसी एक कैंडिडेट को आप कुछ नाराज हैं? कोई नाराजगी नहीं है। देखिए एक चीज बता दें, लोकतंत्र में सिस्टम है अपना अधिकार मांगने का, जो लोग अगर ना बोले अपने हिस्सेदारी के तो उनको तो हम समझते हैं कि ये गूंगा है, अपने हक के लिए, अपने हक के लिए मांगने में कहा जाता है, आप अपनी बात तो कहियो कि मेरा ये अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, मांगो, मालिक की मर्जी। जो हमारे एनडीए गठबंधन के जो मुखिया हैं आप उनके सामने अपनी बात रखो। पूरा पूर्वांचल में आपका दबदबा है, जलजला है, और वहीं पर आरएलडी को टिकट दे दी जाती है, आपको क्यों नहीं दी गई? नहीं, मेरी कोई सीट खाली नहीं हुई है, आरएलडी की वो सीट खाली हुई है, देख लीजिए नजारा, वो आरएलडी की सीट खाली हुई है तो उसका अधिकार है। इसके पहले भी आपसे वादा किया गया था कि आपको इतनी सीटें देंगे, बाद में हुआ कि हमारी पार्टी के सिंबल पर लड़ जाओ। नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ जब मैं चुनाव लड़ने गया तो जब बात आई तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने कहा कि हमारे सिंबल पर सब लोग लड़ो, हमने कहा कि हम अकेले लड़ना कबूल करेंगे लेकिन आपके सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने सुरक्षित सीटें हमको 14 दे दिया और कहा कि यहां हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। अब चूंकि उस समय हमारी मजबूरी थी, गठबंधन धर्म निभाने आता नहीं अखिलेश जी को, किसी से उनके साथ कोई टिकता नहीं है। आप बसपा को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, कई बार भागे पराए पकड़ी पकड़ा, आरएलडी को ले लीजिए, हम ही को ले लीजिए, भाई हमने, हम तो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप अखिलेश से सीनियर है ना, अखिलेश को सिखाते गुर देते हैं कि भैया तुमको राजनीति करनी है, ये गुर सीखो, जो पिताजी के गुर सीखो, कैसे ले चलते हैं।
वो सीखना नहीं जानते ना, वो सीखना नहीं चाहते। उनकी देखिए अलग है, उनका है कि पिछड़ों में नेता हम बन के नेता रहे, कोई पिछड़ों में नेता न बनने पाए। समाजवादी पार्टी लोडर बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लीडर बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, सच है कि मैं 14 साल काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के बाद तब पूरे देश में ख्याति, पूरे प्रदेश में ख्याति ओम प्रकाश राजभर एक लीडर के रूप में दिख रहा है। भाई संजय निषाद जी, एक पार्टी उनका गठबंधन हुआ, मिनिस्टर बने, तो प्रदेश में देश में एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी, वो एक पार्टी एक लीडर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ आने पर वो एक लीडर के रूप में दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं। अरे आप देखिए, अभी बनारस गए हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ, हम अब तो यहाँ बैठे हैं, और माननीय ब्रजेश पाठक जी वहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राज्यपाल के साथ माननीय ब्रजेश पाठक जी वहां घूम रहे हैं। लीडर है तब न, तो लीडर यहाँ पैदा हो रहे हैं और उनके यहाँ लोडर होते हैं। उदाहरण बता दूं, एक भी मुसलमान का नाम उनकी पार्टी में बता दीजिए जो ये कहे अखिलेश से कि अब साइकिल हम चलाएंगे, पीछे कैरियर पर आप बैठो। बहुत दिन मुसलमान पीछे कैरियर पर बैठा, अब नहीं बैठेगा। है हिम्मत कहने की वहां, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पास हिम्मत है। ये हिम्मत हमारे पास है कहने की। आप हिम्मत आप बनती रहते हैं, आप सरकार को ललकार देते हैं, तो आपको आपको पद से मोहब्बत नहीं है, आपको न्याय है, जनता के लिए लड़ते हैं। देखिए हमारी लड़ाई गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित को अधिकार दिलाना है, उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई दिलाना है। हमारा मकसद ये है, जब उनको मिलेगा तो उन्हीं में से हम भी एक रोटी खा लेंगे, दाल खा लेंगे। हम तो उस विचार के हैं। 2017 से साथ में है आपके, 2017 से। अब ये बताइए कि पूर्वांचल जो कि बहुत ही पिछड़ा रहा है आमतौर पे, है ना, उसमें कितना लगा कि हरियाली आ गई, लोग खुशहाल हो गए। देखिए हरियाली अगर हम शुरू करें तो आज जो पेशेंट 8 घंटे में बलिया से, मऊ से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से जो 8 घंटे 6 घंटे में आता था लखनऊ पीजीआई या मेडिकल कॉलेज, आज वो 3 घंटे 4 घंटे में मरीज आ रहा है। वो उसमें बड़े पैमाने पर लोग रास्ते में जो डेथ हो जाती थी, आज हॉस्पिटल पहुंच के वो उसमें से बड़े पैमाने पर लोगों की जान बच रही है। एक तो आप देखते हैं, और आम आदमी जो आप देखिए, तो अब इसको लोगों को ना दिखाई दे। अब आप देखिए आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। कांग्रेस के जमाने में सिंगल सड़क की आवश्यकता थी, उसके बाद डबल हुई, फिर उसके बाद 4 लेन हुई, आज आवश्यकता है एक्सप्रेसवे की, 6 लेन की। आज बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं। गांव में आप चलिए, हमारे विभाग की बात करिए, जो विजन जो हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, ग्राम स्वराज का, कि हम स्वराज गांव स्वराज बनाएंगे, उस बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चला, जबकि पहले की स्कीम है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय मोदी जी ने किया, कर रहे हैं, हम लोग भी उसके पार्ट हैं। आरआरसी सेंटर बन रहे हैं, हम घर घर जाके कचरा ले रहे हैं, हम उनको साफ सफाई के विषय में बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर उनको हम शौचालय बनवा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत शौचालय जो लोग भी बनवाना चाहें, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि 12,000 रूपया, वो ऑनलाइन फार्म भर दे, हम जांच करा लेंगे, हम 12,000 रूपया उसके खाते में भेज देंगे। बड़ी बात, पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी की बात मैं कर रहा हूँ। ये योजना है प्रधानमंत्री जी की, सोच शहरी क्षेत्र में भी है ये योजना, साहब पूरे 25 करोड़ आबादी के लिए योजना है। वो व्यक्तिगत शौचालय बनावे 12,000 हमसे ले ले, ये प्रोत्साहन राशि हम लोग दे रहे हैं, और ऑनलाइन कर दे, जांच करा के हम उनको पैसा दे देंगे। और इतना नहीं, देखिए एक मजे की बात आपको बता दे, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी 2 अक्टूबर को घोषणा किए 0 पॉवर्टी, बहुत लोगों को पता नहीं क्या है, हम लोग धरातल पे, हमने उस स्कीम को, मैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी यानी मनोज जी भाई, हम लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया, तैयार होकर के मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, स्वीकृत हो गई, तो हम लोग ग्रामीण इलाके में उसको लागू करने की तैयारी किए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये ग्रामीण में ही नहीं, इसको शहर में भी हो, तो शहर में भी हो गया, 2 अक्टूबर को घोषणा हो गई। अब इसमें क्या है, 25 परिवार हर गांव से चयन होंगे,
और उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई फ्री में, उनका राशन कार्ड बनेगा, उनका आवास बनेगा, शौचालय बनेगा, पेंशन बनेगा, सड़क बनेगा, बिजली का कनेक्शन उनको देंगे और उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था, ये जीरो पॉवर्टी योजना में कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी? सर शुरू हो गया, जांच सर्वे हर गांव में 5 सदस्यीय टीम बनी है। अच्छा। 5 सदस्यीय टीम वो जांच करेंगे और जांच अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी 420 का मुकदमा लिखकर उसको जेल भेजने की भी तैयारी उस कानून में है। अच्छा। इतना कड़ा कानून हम लोगों लेके आए हैं उन गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कि जो दर दर भटकते रहे, आवास नहीं मिल पाया, शौचालय नहीं मिल पाया, आज भी वो छत उनके पास नहीं है तो उनको छत देने के लिए 58,000 गांव हैं। अब 25 का गुणा कर लीजिए, कितनी बड़ी योजना हम लेके आए, सरकार लेके आई जनता के लिए। और दूसरा 5 लाख रुपया बिना ब्याज का कक्षा 8 पास 21 साल से 40 साल के बीच की उम्र का 5 लाख रुपया वो बैंक से लोन ले, सरकार लोन दिलाएगी और ब्याज सरकार भरेगी। हेलो सोचिए कि ब्याज सरकार भरेगी, मूलधन वो कमाए, उसकी आमदनी जब होने लगे तो वो धीरे धीरे मूलधन जमा करे। ये योजना हम जनता के लिए लेके घूम रहे हैं और विरोधी कह रहा है अरे कहाँ कहाँ हो रहा है, वो परेशान है कि इतना काम कहाँ से हो रहा है। आज जाइए गांव में, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, हम लोग लखनऊ हैं, हम भी लखनऊ बहुत दिन से आते जाते हैं, आज के अगर 15 साल पहले आप जाएं तो रेलवे स्टेशनों पर चूहा कूदते थे, आज जाके देखिए परिवर्तन नजर आ रहा है ना, कि जो सिंगल लाइनें थी आज उसका दोहरीकरण हो रहा है, बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है ना। आप एयरपोर्ट पर चले जाइए आपको वहां दिखेगा, आप कहीं भी किसी क्षेत्र में खाली विरोधी चश्मा का पावर थोड़ा सा बदल ले तो उनको दिखाई देने लगेगा। अभी आप कह रहे थे कि जो सड़कें हैं मतलब चौड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और एक्सप्रेस वे होनी चाहिए, सियासत की राजनीति सियासत में जो रोड है आपकी वो 6 लेन है कि 4 लेन है? नहीं, हमारी जो है देखिए एक्सप्रेस वे भी है, 6 लेन भी है, 4 लेन भी है, सब है। तो आपकी स्पीड क्या चल रही है? हमारी स्पीड एकदम जहां जैसी स्पीड की आवश्यकता हो तो उस स्पीड में हम चलते हैं। टोल टैक्स में आपका चालान कट जाए? नहीं, हम लोग देख के चलते हैं, नेता तो इतना चालान खाइया जो कैमरे लगे हैं अक्सर हम देखते रहते हैं। हमारे भी ड्राइवर और भी ड्राइवरों को मैं देखता हूँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो लख लेते हैं, तो पहले ही करीब 200 मीटर पहले स्पीड आ जाते हैं 100 के नीचे, फिर 100 मीटर पार होके फिर स्पीड बढ़ा लेते हैं। क्या बात है, आप जैसा मतलब बेबाक बोलने वाला नेता, धन्य आप। सही बात बता रहा हूँ भाई, लेकिन एक ही राजनीति में पिछले हाल वर्षों में कहा जाता है कि राजभर जी बहुत अच्छे नेता है लेकिन बार बार में रूठ जाते हैं। देखिए हम रूठते क्यों हैं, किसी गरीब के साथ अन्याय होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं गरीबी झेला हूं ना। गरीब क्या होता है, जो महुआ का लाटा खा करके पढ़ा हूं, दूसरे का कपड़ा मांग के पढ़ा हूं, साइकिल का पंचर खुद बनाता था, साइकिल की फिनिशिंग खुद करता था, गोली हा कटुरिया हचक सब करके साइकिल से चल के तब जाता था, जमीनी इंसान, फीस नहीं हटा तो ऑटो रिक्शा चला करके रात को दिन में जब पढ़ने जाते थे, का नहीं किया, कमर्शियल खेती हमने, खुद सब्जी बेचने चला जाता था, कोई चोरी नहीं करता था। ठीक है, लेकिन माहौल हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हम उस गरीबी से उठ के आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर इस नाते गरीबों के साथ अन्याय होता तो हम गरीब के साथ खड़ा होते हैं। जनता जनता जल्दी अब आप कब उठने वाले? नहीं, हम रूठने वाले को मना रहे हैं। तो संजय निषाद भी नाराज है? नहीं, नाराज नहीं है, उनका अधिकार है अपने हक को मांगना, नेतृत्व के सामने अपनी बात को रखना, मालिक अब नहीं दे रहा तो मालिक उनको समझाएगा ना कि हम क्या कारण है क्या नहीं कारण है, मालिक का काम है, हमारा काम है हम उनको उनके सामने अपनी बात को रखना। तो आप संजय निषाद के जो दर्द है उसमें कितने उनके आंसू पहुंचने को तैयार है? उनको कहाँ दर्द है, कहाँ आंसू बह रहा है? नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऑल इज वेल। तो योगी सरकार की जो मौजूदा कानून व्यवस्था है ये उपचुनाव में कितनी इम्पैक्ट डालेगी? देखिए मैं भी मझवान भी हाल हुए, मैं मझवा भी गया, मैं कटहरी भी गया, मैं मिल्कीपुर भी गया, मैं संभल भी गया, मुरादाबाद भी गया, गाजियाबाद भी गया, अलीगढ़ भी गया, मतलब 10 सीट पे मैं अपनी पार्टी के संगठन और सभा
बैठक हम कर चुके, जनता का जो मूड है वो जनता सत्ता पक्ष को वोट देने के लिए मन बना चुकी है। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने मिल करके लोकसभा चुनाव में इतना बढ़िया झूठ बोला था कि खटाखट खटाखट ऐसे बोल रहे थे, खटाखट खटाखट एकदम खटाखट मिलेगा, अब घेर लिया कार्यालय। और जिस मुद्दे को लेकर बोल रहे थे, हरियाणा में तो कहा जा रहा था कि पीएलसी हो रही है, इसका कितना इम्पैक्ट बाई इलेक्शन में। अब आप सोचिए कि लगभग अधिकांश का हम समझते हैं कि 90% चैनलों पर मैं देखा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, सब आ रहे थे, लेकिन हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि वहां क्या स्थिति है। हमसे लोग पूछे तो हम के देखो भाई, हम आपको बता रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, आप चिंता न करो। जब काउंटिंग वो बैलेट पेपर की हुई तो कुछ मित्र हमारे विरोधी पार्टी वाले फोन किए, कहा हो सरकार बना रहे थे, हमके दया रखो भाई, थोड़ा सीना संभाल के पकड़ो, आने दो, 12 बजते देखो सरकार बन जाएगी। यार क्या बतियाते हो, आप इसको इतना कॉन्फिडेंस है? हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, लोग वोट दिए हैं, देख लेना आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये जो कॉन्फिडेंस यूपी में कितना इम्पैक्ट देगा? बहुत इम्पैक्ट देगा। देखिए यूपी में भी अब लोगों को ये भरोसा हो गया है कि 5 साल तो लगातार प्रधानमंत्री नेता नाराज है, कहने की सीट में मांगी नहीं थी, हमें वही सीट दे दी जहां पर हारना था। कौन? अरली वाले? नहीं नहीं, उनकी सीट खुद की है जी, वो सीट से संतुष्ट नहीं है। नहीं देखिए, संतुष्ट असंतुष्ट होना एक अलग बात है। आपके सहयोगी दल उनके नहीं नाराज नहीं है, वो नाराज नहीं है। अब देखिए हर आदमी सोचता है कि जीती जीताई मिल जाए, हमको जीती जीताई सीट मिल जाए, थोड़ा लड़ना चाहिए। राजभर से सीखिए, 14 साल धरती पे लड़ा, गांव गांव जाकर के धूल फांका, रोटी तरकारी आज खाया। सत्ता के शीर्ष लोग डरते हैं, शुरू करते हैं, हम लोग बैठते नहीं। देखिए अभी कल हम लोग जालौन थे, बुंदेलखंड में कल कम से कम 5,000 लोग जुटे थे। हम कोई ऐसा नहीं है, चाहे हम अलीगढ़ जाएं, चाहे एटा एटा व कन्नौज जाएं, चाहे सहारनपुर बागपत शामली जाएं, चाहे झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर जाएं, चाहे पूर्वांचल तो हमारा है। हम चारों तरफ अपना हमारा संगठन पूर्ण रूप से धीरे धीरे अपना विकसित हो रहा है। अब आप देखिएगा बिहार, सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, 38 जिले में 36 जिला चापा। आप तो इतनी जल्दी नाम बोलते हैं जिसे बस बस कहीं जाना हो बोल दे, कर 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 गांव सारी सवारियां डाल दी आपने। तो वहां भी हम 27 अक्टूबर को जा रहे हैं पार्टी का स्थापना दिवस नवादा मनाने। आश्चर्य होगा लोगों को, नवादा बिहार मनाएंगे, कम से कम 50,000 लोग जुटेंगे। आपको भेजूंगा क्लिप, चलाइएगा, देखिएगा, अपने रिपोर्टर भेजेंगे। हाँ बिल्कुल, रिपोर्टर भेजिए, देखिएगा कि राजभर बोलता है तो दम है कि नहीं। बोलते तो बढ़िया, ये इंटरव्यू देखिएगा कितना वायरल होगा, देखिएगा। आप अपने पार्टी को सर्वहारा समाज के लिए और जो वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जुटे रहें, और उपचुनाव में भी आपकी कामना पूरी हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।